वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपा सलार के खिलाफ बातें की गई। पूरी कौम जानती है कि एक टोले ने 9 मई को गजर मचाया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट और पीटीवी की इमारत पर उन्हीं के जत्थों ने हमला किया। आज वही नए हथकंडों से इदारों और अवाम के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। हमारे जवानों ने अपने खून से सरहदों की हिफाजत की। किसी सूरत मादरे वतन, मासूम लोगों और अफवाज के खिलाफ ऐसा इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी ख़ानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, पूरी कौम जानती है कि जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इलम है कि टेलीविज़न स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था, सबको इलम है कि वज़ीर आज़म हाउस के गर्द वही आके उनके जत्थे आ गए थे। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को, पाकिस्तान की सरहदों को हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, शहरियों ने, माओं ने, बहनों ने अपने खून से उसकी आबियारी की हिफाजत की है। किसी सूरत भी मादर वतन के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हम कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे।